जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेवा के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेणी की गोली मारकर जघन्य हत्या के विरोध में कोटा में भी राजपूत समाज सड़क पर उतरा है। कोटा में श्री राष्ट्रीय करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया और हत्याकांड के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। समाज के लोगों ने नारेबाजी कर हत्याकांड के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। सुखदेव सिंह गोगामेणी की जघन्य हत्याकांड को लेकर प्रदेश भर में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। आज जैसा कि आप लोगों को सभी को सूचना होगी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संस्थापक सुखदेव सिंह जी गोगामेणी साहब का जो उनके घर आवास में घुस के गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण का राजपूत समाज में बहुत ही भयंकर विरोध है और इस पे तुरंत प्रभाव से प्रशासन सख्त कार्रवाई करे और जिस भी व्यक्ति ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के जिम्मेदारी ली है उसको आजीवन कारावास और उसका घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए और जो जो व्यक्ति उनके वहां पे मौजूद थे उनका तुरंत प्रभाव से एनकाउंटर करना चाहिए। इसके लिए हम 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में ये हिंसा भड़केगी और इसके जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी होंगे। तो इसलिए हम आपसे यही विनती करते हैं और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इन सभी गैंग वाले लोगों से इनमें भय बनाने का काम करें और जो समाज के ऊपर इतना बड़ा हमला कर सकता है उसके घरों पे उनके सभी मिलने वालों के घरों पे बुलडोजर चलावे ताकि उनकी जीवन में कभी हिम्मत ना हो किसी भी समाज के नेतृत्वकर्ता के ऊपर इतना बड़ा हमला करने की। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।